ये है हाइड्रोजन एटम, जो कि उन कुछ प्रमुख एलिमेंट्स में से एक है जो गोल्फ बॉल में पाए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम है। ये एक नेगेटिवली चार्ज हल्के पार्टिकल का बना होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस एक सिंगल पार्टिकल का बना होता है जिस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसको प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। ये समझने के लिए कि हाइड्रोजन एटम कितना छोटा होता है, अगर हम न्यूक्लियस प्रोटॉन का साइज किसी गोल्फ बॉल के जितना माने तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का रेडियस 1 माइल होगा। हाइड्रोजन उन कुछ प्रमुख कॉमन एलिमेंट्स में से एक है जो नेचर में मिलता है। गैस के रूप में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें से एक फ्यूल है वेल्डर टॉर्च के लिए। साइंटिस्ट ने रेंज ऑफ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर वर्गीकृत किया है। हाइड्रोजन अपने एक प्रोटॉन के साथ इस श्रृंखला में सबसे पहले आता है। इसको एटॉमिक नंबर 1 के संकेत से दर्शाया जाता है, जो कि प्रोटॉन को दर्शाता है। किसी भी एलिमेंट एटम की योग्यता जो उसे केमिकल कंपाउंड बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा संचालित की जाती है। हाइड्रोजन के एक और रूप में न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल होता है जिस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। एटम की फ्री नेचुरल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, और एडिशनल अनचार्ज पार्टिकल जो न्यूक्लियस में है एटम के केमिकल बिहेवियर को इफेक्ट नहीं करता। हम इसको सुपर कार्गो, डेड वेट, बिना टिकट के किसी यात्री की तरह समझ सकते हैं। इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। ये न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के इस रूप को एटॉमिक वेट 2 देता है, जो कि सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस में। एक एलिमेंट के अलग अलग रूप जिनका एटॉमिक वेट भी अलग अलग हो पर इलेक्ट्रिक चार्ज सेम हो और एक जैसा ही केमिकल बिहेवियर हो को आइसोटोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस न्यूट्रॉन को अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम में ऐड करें तो हमें हाइड्रोजन का जे आइसोटोप मिलेगा, जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं। ये वो हाइड्रोजन है जो हैवी वाटर में मिलता है। एक और न्यूट्रॉन ऐड करने पर हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप मिलेगा, जिसे ट्रिटियम कहते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट से एक पायदान की ऊंचाई पर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो हीलियम है। हीलियम का एक उपयोग जिसके बारे में आप जानते होंगे हवा से हल्के विमानों में होता है। हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बना होता है, इसलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। सेम जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास हैं और एटॉमिक वेट 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे जैसे हम एलिमेंट्स के वर्गीकरण में ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जिनके एटम्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जुड़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है के पास 6 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन है, जिससे इसका एटॉमिक वेट 12 हो जाता है। कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, कुछ बहुत ही हार्ड और कुछ बहुत ही सॉफ्ट, एग्जांपल डायमंड और पेंसिल पॉइंट्स। नेचुरल लेदर के सबसे ऊपर सबसे कॉम्प्लिकेटेड एटम है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। नेचर में मिलने वाले यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, जिसका एटॉमिक वेट 234, 235 और 238 है। यूरेनियम और उनके पड़ोसी एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं। इनके एटम्स में अनस्टेबल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नेचर के लॉ की वजह से इन एलिमेंट में बैलेंस और सिमेट्री की कमी होती है, जिस कारण ये एलिमेंट अपने में से न्यूक्लियर कचरा निकालते रहते हैं। इसे रेडियो एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। ये एडजस्टमेंट 3 तरीके से एनर्जी निकाल सकती है। बीटा पार्टिकल जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस से निकलते हैं, ये दरअसल हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अल्फा पार्टिकल भी न्यूक्लियस से निकल सकते हैं, जे दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन के बने होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये दरअसल हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं और एनर्जी गामा रेस के रूप में भी निकल सकती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एक्स रेस की तरह। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये हैवी अनस्टेबल एलिमेंट्स डिके होते हैं और एलिमेंट्स के पायदान में नीचे की तरफ गिरते जाते हैं जब तक स्टेबल फॉर्म अचीव नहीं कर लेते, जो कि लेड होता है। ऐसे रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए, जिसमें एलिमेंट्स का रूप बदलता है, जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उसे हाफ लाइफ कहते हैं, जो कि वो टाइम है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का 50% डिके हो जाता है। इसको समझने के लिए सपोज़ आपके पास 1 गैलन विस्की है और आप उसमें से हर दिन आधी विस्की पी लेते हो। पहले दिन तुम आधा गैलन पीते हो, विस्की की हाफ लाइफ होगी 1 डे। अगले दिन साइंस के नाम पर तुम पिछले दिन की बची हुई विस्की का आधा पीते हो, जो कि 1/4 होगी पहले दिन की। तीसरे दिन तुम दूसरे दिन की बची हुई विस्की का आधा पियोगे। ऐसे ही चलता रहेगा, तुम कभी भी बोतल को ख़त्म नहीं कर पाओगे, हमेशा पिछले दिन का आधा बच जाएगा। ये बात कि हमेशा कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल बचा रहता है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी उस मटेरियल की हाफ लाइफ है। एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स की हाफ लाइफ भी अलग अलग होती है। 4,500,000,000 ईयर्स लग जाते हैं आधे यूरेनियम 238 को थोरियम 234 में बदलने में। रेडियम 226 की हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। रेडोन 222 के केस में हाफ लाइफ 4 दिन से भी कम होती है, जबकि कुछ औरों के केस में सेकंड के कुछ हिस्से तक ही। अभी तक हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ही देखी, अब इंसान की दखलंदाजी शुरू होगी और कुछ केसेस में इंसान नेचर से भी आगे निकल जाएगा अपनी बंदूकों का यूज़ करते हुए। साइक्लोट्रॉन्स और दूसरे एक्सेलरेटर्स, हाइड्रोजन हीलियम के न्यूक्लियस और दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बुलेट की तरह यूज़ करते हुए स्टेबल एलिमेंट्स को अनस्टेबल बनाया जाता है, जिस कारण बहुत सारे एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनते हैं। इंसान लिथियम को हीलियम में बदल देता है हाइड्रोजन न्यूक्लियस का प्रोजेक्टाइल की तरह यूज करके। क्रोमियम एटम के न्यूक्लियस को हीलियम एटम के न्यूक्लियस से टकराकर वो इसको रेडियो एक्टिव मैग्नीज में बदल देता है, जिससे एक प्रोटॉन भी निकलता है। बचा हुआ मैग्नीज आयरन में डिके हो जाता है बीटा पार्टिकल और गामा रे एमिट करके। साइंटिस्ट नेचुरल लेदर के सबसे ऊपर यूरेनियम से भी ऊपर जाते हैं नए एलिमेंट्स बनाकर, जिनको यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन से टकराकर बनाया जाता है। अगर न्यूट्रॉन यूरेनियम में रह जाता है तो एटॉमिक वेट 239 हो जाता है, एक नया आर्टिफिशियल आइसोटोप यूरेनियम का। पर न्यूक्लियस रिएक्ट करता है और बीटा पार्टिकल एमिट करता है, जिस कारण न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज 1 से बढ़ जाता है, जिससे एक नया एलिमेंट बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 93 है, जिसको नेप्टूनियम कहते हैं। नेप्टूनियम भी बीटा पार्टिकल एमिट करता है और एलिमेंट 94 की रचना करता है, जिसका नाम प्लूटोनियम है। इससे भी हैवी एलिमेंट्स को बनाया जा चुका है, पर हम प्लूटोनियम पर रुक सकते हैं क्योंकि ये बेसिक इंग्रेडिएंट में से एक है एटॉमिक एक्सप्लोजन के लिए। ऐसे एक्सप्लोजन करने के लिए साइंटिस्ट के पास 2 रेसिपीज हैं, 2 ब्लूप्रिंट, जिनमें से पहला है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको दर्शाने के लिए जहां पर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, फ्यूज करने के लिए इनको एक साथ लाया जाता है अंडर प्रॉपर कंडीशंस, जे मिलकर हीलियम का एक एटम बना देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वेट का लॉस होता है। दूसरे शब्दों में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैवी होंगे उनसे बनाए गए हीलियम एटम से, क्योंकि जब फ्यूजन होता है तो एक्स्ट्रा मास या वेट एनर्जी में बदल जाता है
और बाहर निकलती है जिसको जूस किया जा सकता है। सूर्य इस ताले की चाबी है। ये लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है और पैदा हुई एनर्जी को अर्थ की तरफ भेज रहा है। ये वो प्रिंसिपल है जिससे हाइड्रोजन बम चल सकता है। पर उन साइंटिस्ट के लिए जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, सूर्य के एक हिस्से को धरती पर लाना तबाही के लिए इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। इसलिए वो लैडर के ऊपरी हिस्से में जाते हैं और एटॉमिक पावर को फ्यूजन के रिवर्स से हासिल करते हैं। हैवी एलिमेंट्स को लाइटर एलिमेंट्स में तोड़कर, जिसको फ्यूजन कहते हैं। इसकी तरह जब यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को एक खास स्पीड से जा रहे न्यूट्रॉन से टकराया जाए तो न्यूक्लियस दो लाइटर एलिमेंट्स में टूट जाता है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है जिसके कारण न्यूक्लियस इतनी छोटी जगह में बंधा हुआ था। इसकी तरह ये भले ही अजीब लगे, एटम्स को चाहे जोड़ो या तोड़ो एनर्जी निकलती है, और ये सिर्फ लैदर के किनारों पर ही पॉसिबल है। फ्यूजन एनर्जी पैदा करता है लाइटर एलिमेंट्स को जोड़कर और फ्यूजन हैवी एलिमेंट्स को तोड़कर। इन दोनों प्रोसेस के रिजल्ट में जो मिलता है वो लैडर के बीच में होता है। फ्यूजन के केस में पॉसिबिलिटीज ज़्यादा और काम लाइक लगती हैं। साइंटिस्ट को पता था कि 1 पाउंड यूरेनियम का फ्यूजन करने में इतनी एनर्जी निकलती है जो तकरीबन 1400 टन कोल को जलाने के बराबर है, या फिर 2,50,000 गैलन गैसोलीन को जलाने के बराबर। लेकिन क्वेश्चन ये था कि इसको कैसे करें। यूरेनियम के पीस में एटम्स को एक साथ एक समय में कैसे तोड़ें कि पावर धीरे धीरे ना निकले, जिसको इस रेलगाड़ी की तरह दिखाया गया है। एनर्जी को तब तक बढ़ाया जाए जब तक इसको वायलेंट एक्सप्लोजन में रिलीज ना किया जाए। इस फैक्ट से एक रास्ता मिलता है। जब यूरेनियम 235 का एक न्यूट्रॉन से फ्यूजन कराया जाता है तो फ्यूजन प्रोडक्ट और एनर्जी के साथ साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। इन न्यूट्रॉन का जूस किया जा सकता है चेन रिएक्शन करने के लिए। ये एग्जाम्पल है उस चेन रिएक्शन का जो अपने आप को बरकरार रखता है। ये एक और बड़ा रिजल्ट देता है। अगर यूरेनियम के फ्यूजन से कई न्यूट्रॉन मिल सकते हैं तो इन न्यूट्रॉन का जूस आगे फ्यूजन में कर सकते हैं, तब चेन रिएक्शन बन जाएगा जो कि बहुत बड़े क्लाइमैक्स का रिजल्ट देगा। हर फ्यूजन स्टेप से निकलने वाली एनर्जी आपस में मिलकर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करेगी। उनको पता था कि यूरेनियम 235 एक अच्छा फिजनेबल मटेरियल है, पर वो डरे हुए भी थे। नेचुरल यूरेनियम के 140 भाग में से सिर्फ एक भाग यूरेनियम 235 होता है और बहुत कम मात्रा में यूरेनियम 234 होता है। बाकी बचा यूरेनियम 238 होता है, जो कि फिजन के लिए अच्छा मटेरियल नहीं है। अच्छे मटेरियल को बुरे मटेरियल से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम 92 है, जिसके कारण सेम केमिकल बिहेवियर होता है। लेकिन एटॉमिक बेड में थोड़ा डिफरेंस होने के कारण फिजिकल तरीकों से सेपरेशन पॉसिबल है। अगर नेचुरल यूरेनियम गैस को पोरस बैरियर के एक तरफ से पास किया जाए जिसकी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा वैक्यूम हो, तो लाइटर यूरेनियम 235 बैरियर में से बहुत तेज़ी से निकलेगा, अगर हम इसको यूरेनियम 238 से कंपेयर करें। इस प्रोसेस से यूरेनियम 235 आइसोटोप को एनरिच किया जा सकता है, इतना एनरिच कि फ्यूजन किया जा सके। मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट टीम, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेबरर और मिलिट्री ने बहुत बड़े गोदामों का निर्माण किया ताकि सामग्री को इस या दूसरे तरीकों से बनाया जा सके। साइंटिस्ट उम्मीद से भी आगे चले गए इस बात का जूस करते हुए कि यूरेनियम 238 को जब न्यूट्रॉन से टकराया जाए तो फ्यूजन करने की जगह ये न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा और आखिर में प्लूटोनियम बन जाएगा। प्लूटोनियम फ्यूजन के लिए उतना ही अच्छा है जितना यूरेनियम 235।
मैनहैटन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट टीम ने प्लूटोनियम प्लांट लगाए हैनफोर्ड वाशिंगटन में। हमारे बॉम्ब के बिल्डर गोल के करीब थे, उनके पास सामग्री थी, अब छेप की बारी थी। पहले जब हम यूरेनियम ब्लॉक को न्यूट्रॉन से हिट करते हैं और पहले हिट से निकले 3 न्यूट्रॉन को फॉलो करें तो एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस में एंटर करता है और फिजन किए बिना ही बेकार जाता है, बाकी बचे 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तब ये फिजेबल मटेरियल का टुकड़ा होगा जिसमें न्यूट्रॉन कुछ नहीं कर सकेगा और जिसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हो सकेगा। इसको सब क्रिटिकल मास कहते हैं। साइंटिस्ट की प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है पहले फिजन से पैदा हुए सभी न्यूट्रॉन्स का जूस किया जाए। इसको अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम यह था कि न्यूट्रॉन को बाहर ही नहीं निकलने दिया जाए, फिजेबल मटेरियल की मात्रा को बढ़ाकर, जहां पर 3 में से एक न्यूट्रॉन अच्छा करता है और दूसरे एटम का फिजन करता है, चेन रिएक्शन की शुरुआत करता है। हमारे मटेरियल को अब क्रिटिकल मास कहेंगे। ये एटॉमिक पावर प्लांट के लिए तो अच्छा है लेकिन एक्सप्लोजन के लिए नहीं। एक्सप्लोजन के लिए हमें न्यूट्रॉन की जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा रखनी होगी, 1 से 2 बनाने होंगे, 2 से 4, ऐसा ही चलता रहेगा तब हम बिजनेस में रहेंगे। न्यूट्रॉन लॉस को कम करने का और नंबर ऑफ फिजन बढ़ाने का एक तरीका ये था कि उन्हें ज़्यादा काम करने की जगह दें। क्योंकि हम बॉम्ब मटेरियल के साथ काम कर रहे थे, हमें अपने खर्चों का ख्याल रखना था। फिजेबल मटेरियल की मात्रा बढ़ाने से खर्चा बढ़ जाता, इसलिए बेस्ट शेप का चुनाव किया जाता है जो कि स्फेयर है। इस शेप की खासियत यह है कि इसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है जिसमें से न्यूट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रॉन के काम करने के लिए। हम न्यूट्रॉन लॉस को और भी कम कर सकते हैं अपने फिजेबल मटेरियल को एक स्पेशल मिरर से कवर करके, ताकि न्यूट्रॉन फिर से अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए। जब हम सक्सेसफुल चेन रिएक्शन कर लेंगे जो बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास जो मास होगा उसे सुपर क्रिटिकल मास कहेंगे। हमारी सिचुएशन भी सुपर क्रिटिकल होगी क्योंकि हम एक्सप्लोजन के लिए अभी रेडी नहीं है। हमें अपने सुपर क्रिटिकल मास को सब क्रिटिकल मास में डिवाइड करना होगा जब तक सही समय ना आ जाए। जब एक्सप्लोजन करना हो, पार्ट्स को एक साथ बहुत जल्दी लाया जाए और एक साथ रखा जाए उतने समय के लिए कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फिजन जब तक ना हो। हमारे बॉम्ब के एक्सप्लोड होने का टाइम 1 सेकंड के 1 मिलियन हिस्से से भी कम होगा। अपने बॉम्ब को बनाते हुए हम एक खेल खेलते हैं। आम तरीके से काम करते हुए थ्योरीज जिनको पहले ही डिटेल में समझा जा चुका था और इनको एक्सक्यूट किया गया उन लोगों द्वारा जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में डिवेलप और प्रोड्यूस किया सबसे तबाही मचाने वाले हथियार का, जिसे आज तक बनाया गया। पर यह बहुत ही नाटकीय रोल था और अनिश्चित पोजीशन। वो कोई रियल एक्सपेरिमेंट अपनी यात्रा में नहीं कर सकते थे, वो कोई छोटा सेफ पाइप साइज टेस्ट नहीं कर सकते थे। दुनिया में छोटा सेफ एटॉमिक एक्सप्लोजन नहीं है। क्रिटिकल साइज के नीचे बॉम्ब बस फूस करके रह जाएगा, उससे ऊपर जो फटेगा, कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं था। उनके लिए जो जुलाई 16, 1945 की सुबह अपने एटॉमिक बॉम्ब की सेटिंग का इंतजार कर रहे थे के लिए करो या मरो की स्थिति थी, लेकिन किस शर्त पर? आंसर ने कोई डाउट नहीं छोड़ा।